हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज की जो क्लास है बच्चों, आप जो है एक्चुअली आप लोगों को फ्लोरिकल्चर से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो जो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाइए क्लासेस में। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, आज जो है हम लोग की क्लासेस जो है बच्चा ये प्रीवियस जो आपकी टाइमिंग थी 10:30 बजे से 11:30 उसी टाइमिंग पे जो है शुरू हुई है, ठीक है। तो सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। ये क्या है भाई? सर जी मैंने स्पेशल की रेट वेल के बच्चा दिनेश आपका क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। उसको जो आप क्या मार्कशीट से रिलेटेड पूछे हैं एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, फटाफट जो है सभी लोग जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पूजा खुशी सभी लोग जो फटाफट हर हर महादेव नमस्ते नमस्ते। चलिए तो अब जो है बच्चों आज की क्लास जो है फ्लोरिकल्चर में क्रॉप कल्टीवेशन, जैसे हम लोग फ्लोरिकल्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से हम लोगों को जो है फूल पढ़ने हैं, पुष्प के बारे में अध्ययन करना है। तो जैसे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो पुष्प जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है बच्चों वो है आपका रोज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग रोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी लोग जो है एक बार इसको शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ हाँ DPP मिलता है बच्चा, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट हो रही है धीरे धीरे आप लोगों को, जैसे अभी अगर ऐप पे आप ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पे आपको DPP मिल चुकी होगी एग्रोनॉमी में, ठीक है। टेस्ट लग चुकी होगी हॉर्टिकल्चर सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी के, ऑलरेडी टेस्ट भी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो जो भी लोग नहीं लिए हैं एक बार आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, तभी आपको जो है DPP और टेस्ट सीरीज जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। तो जिनको अलग से एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो बच्चा अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली बात अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो जरूरी होता है ना वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। लाइव क्लासेस के दौरान भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर अधिक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बच्चों तो ऐप पर जो DPP और टेस्ट सीरीज के लिए जो पेड कोर्स रखा गया उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा और ज्यादा क्वेश्चन वगैरह जो है आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया आज, चलो कोई बात नहीं बच्चा। देखो टाइम आपको शेड्यूल पहले रिलीज कर दी जाती है ना, तो शेड्यूल के हिसाब से आप लोग जो है तैयार रहिए। हो सकता है कभी नोटिफिकेशन जाएगा कभी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। टेस्ट सीरीज हिंदी में भी आएगी बाबू, ठीक है। चिन्मयानंद जी जी आपको आएगा, टेस्ट सीरीज जो है हिंदी में भी है, वहाँ पे अलग अलग दो फाइल्स अपलोड किए गए बच्चा, इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग, ठीक है। क्यों? ताकि हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि भाषा जो है हमारे टीम की और पूरी टीम की ये मानना है कि भाषा जो है कभी अध्ययन के लिए बैरियर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में जो DPP और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है बच्चों। सारी चीजें आज पूरा, हाँ चलिए क्वेश्चंस आना शुरू हो गया। रोज लव का सिंबल है बिल्कुल, ठीक है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड का है बच्चा, ठीक है। इंग्लैंड का, यूके का, इस तरह से जो है इन सब के राष्ट्रीय फ्लावर जो है। हाँ बच्चों ये जो आपका DPP और टेस्ट सीरीज है वो बच्चा पेड है, ठीक है। उसको आप लोग देख सकते हैं, टूडर रोज इंग्लैंड का है, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में ही मैंने जो अलग अलग नेशन वाइज भी बता दिया हूँ। एक ब्रीफ बैकग्राउंड जो है फ्लोरिकल्चर का हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स दो लेक्चर्स में हम लोगों ने तैयार किया था बच्चों। अब आज से जो है हम लोग इंटर कर रहे हैं एक्चुअल फ्लोरिकल्चर में, यानी कि एक्चुअल फ्लावर के कल्टीवेशन में, कि कौन से फ्लावर की खेती कैसे होती है, कौन कौन से एक्टिविटीज उसमें किए जाते हैं, किस तरह से उसकी प्रबंधन होती है, ठीक है। उसकी वेराइटीज क्या क्या है, जैसे आप गुलाब में बात करेंगे तो अलग अलग रंग गुलाब होते हैं, तो अलग अलग रंग में कौन कौन सी वेराइटीज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। BCC का फॉर्म जो बच्चा अभी फॉर्म आया नहीं है, ठीक है। फॉर्म जो इस मंथ के मिड तक या फिर लास्ट तक जो आ जाएगा। BCEC का एग्जाम वैसे भी जो है थोड़ा लेट से होता है बच्चों, ठीक है। CUET में सब्जेक्ट फिलिंग में डोमेन, बच्चों देखो CUET से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट है विवेक भूपति, आप जो है यहाँ पे अलग से मार्गदर्शन सीरीज करके जो है आपके सारे वीडियोज वहाँ पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो बच्चों, ठीक है। कोई भी किसी को अगर डाउट हो तो, ठीक है। DPP कहाँ है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो DPP वगैरह जो है बच्चे जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है ना ऐप पे, उनको आपको DPP और टेस्ट सीरीज आपके जो कोर्स फाइल है वहीं पर जब आप इंटर करोगे उसमें, तो उसी में आपको अंदर जो है बच्चों मिलेगा, ठीक है अमन। तो वहाँ से आप लोगों को जो है DPP और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा बच्चों, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो आज की क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा आकाश? चलो तो जो भी लोग अभी तक जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दे, ताकि अब जो हम लोग क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, तो फ्लोरिकल्चर में आज की जो टॉपिक होगी बच्चा, उसमें हम लोग बस डिस्कस करने वाले हैं रोज के बारे में, यानी कि गुलाब के बारे में, ठीक है। अब अगर रोज क्या, अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? गुलाब कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान देना है। नेक्स्ट है बच्चों, इसके स्पेसिस अलग अलग होते हैं, जैसे रोजा साइनेंसिस होता है, ठीक है। उसके बाद आपके अलग अलग इसमें अलग अलग इसके प्रजाति होते हैं, रोजा फ्लोरिबंडस, ठीक है। तो हम लोगों को बस सिंपल इसकी बोटेनिकल नेम को ध्यान देना है, तो क्या होगा? रोजा स्पेसिस, या फिर रोजा साइनेंसिस भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि ये किस कुल का पौधा है। तो ये जो है बच्चा किस कुल का है, या फिर किस परिवार से बिलोंग करता है? तो ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप देखो, रोज है, रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अलग से कुछ ध्यान देने की जरूरत हमें यहां नहीं है। रोज, रोजेसी, कितना मैचिंग है। तो इस तरह से भी आपके कई बार जो है आपके फैमिली जो है, अब एक चीज बता दो सभी लोग जो भी जुड़े हैं, एक कोई आप ऐसा फल बता दीजिए बच्चों जो रोजेसी कुल का मेंबर बिलोंग करता हो, ठीक है। आप लोगों के लिए क्लास वर्क है, सभी लोग जैसे सुनेंगे आप लोग अपने आंसर्स जो अपने कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि ऐसा कौन सा फल है जो रोजेसी कुल से बिलोंग करता है बच्चों, ठीक है। हाँ, क्वीन ऑफ फ्लावर डिक्लेरेशन को लेकर, चलिए ठीक है। हाँ कैप्टन भाई, अभी जो है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। कुछ दिन में आप लोगों को मिल जाएगा कैप्टन भाई, ठीक, परेशान नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन है उससे एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा, ठीक है। अभी आज जो है शाम तक आपको सॉइल साइंस वगैरह के जो मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चा पॉइंट आपको ध्यान देना होगा, ओरिजिन इसका क्या है? इंडिया है। इसका उत्पत्ति स्थान जो है बच्चों भारत है। नेक्स्ट, रोज इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इंडिया कह लो या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कई बार जो इसका ओरिजिन जो है आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसका उत्पत्ति स्थान में आप बता सकते हो, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर भारत जो है इसकी उत्पत्ति स्थान है, या फिर उद्गम स्थल है, कहाँ से इसकी कल्टीवेशन जो है स्टार्ट हुए थे। हाँ बिल्कुल सही बात बता रहे हैं सभी लोग जो एप्पल का बताएं, बिल्कुल सही बच्चों, बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बहुत सही। सभी ने, लगभग सभी बच्चे जो है सही आंसर बता रहे थे, सभी ने क्लास वर्क का सही आंसर दिया, बहुत अच्छा, ठीक है। एप्पल सही है, सबसे पहले जो शुभम पाल ने बताया था, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। सभी लोग जो है इसी तरह से लोकवाट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, रोज इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड लव, ठीक है। यानी कि ये जो है सुंदरता का भी प्रतीक माना जाता है और लव का भी सिंबलाइज करता है। ये तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था कि अलग अलग फ्लावर्स जो है, जैसे व्हाइट कार्नेशन जो होता है वो वुमेन्स लव को दर्शाता है, ठीक है। इसी तरह से जो आपको रोज जो है वो लव और ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है। तो गुलाब सुंदरता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी पुष्प जो है किस चीज को सिंबलाइज करती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है बच्चों, आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, जैसे टूडर रोज जो है बच्चों, ये आप लोगों को बताया गया था कि ये इंग्लैंड का क्या है? नेशनल फ्लावर है, यानी कि राष्ट्रीय पुष्प। अगर देखेंगे इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बच्चों, तो ये आपका जो है टूडर रोज या फिर गुलाब है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, या फिर इसको हम लोग यूके भी कह सकते हैं बच्चा, ठीक है। यूके या फिर इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर है, वो क्या है बच्चों? रोज है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट, एप्रिकॉट पियर पीर्स, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, थैलामस एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि थैलामस ही उसमें जो है, चलो सॉरी आज देर कर, चलो कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए होना चाहिए, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग। अब देखो, इसमें प्रोपेगेशन अलग होता है और प्रोपेगेशन अलग है और प्लांटिंग अलग है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग जो बच्चों, वो सेप्टेम्बर लास्ट से अक्टूबर का मतलब पहला पखवाड़ा, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ सेप्टेम्बर से लेकर फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का पहला पखवाड़ा और सितंबर का दूसरा पखवाड़ा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, जैसे सितंबर 15 से लेकर अक्टूबर 15 तक का समय, इस तरह से आप एवरेज में समझोगे तो इस तरह समझो, ठीक। यानी कि सितंबर से अक्टूबर का समय जो है सबसे उत्तम माना जाता है इसकी प्लांटिंग के लिए, यानी कि इसके पौधे लगाने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको वीवीआई कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोज से जब एक इकलौता क्वेश्चन अगर पूछना होता है ना, तो यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गुलाब में जो है बच्चों प्रबंधन किस विधि से की जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कैसे होता है बच्चों। हाँ, भारत का कमल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यूके का, चलो ठीक है, लव एंड ब्यूटी, बिल्कुल सही, चंदनी कुमारी बता रही है, चलिए ठीक है। देखो एक चीज और आलोक रंजन, किंग और क्वीन ऑफ फ्लावर में ना काफी कमी, जैसे अगर हम बात करें कई जगह पे आपको बुक्स वगैरह में गूगल वगैरह करोगे तो किंग ऑफ फ्लावर में रोज को भी दिखाता है, ठीक है। तो किंग और क्वीन में जो फ्लावर्स में जो ये चीजें डिलीमा है, ठीक है, ग्लैडियोलस और इसमें जो है बना हुआ है, ठीक। चलिए टी बर्डिंग, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको वीवीआई करके कॉपी के टॉप में नोट करो कि कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन यानी कि प्रचार की वाणिज्यिक विधि, यानी कि जो प्रसारण करने की जो व्यापारिक विधि है वो कौन सी है बच्चों, टी बडिंग। अब टी बडिंग में करते क्या है, तो जैसे देखिए ये इस तरह से एक टी शेप का इस तरह से बनाया जाता है पैचेज, और इसको वहां लगा दिया जाता है, फिर इसमें जो है इसको बाइंडिंग करके, फिर यहां से जब रूट की इनोकुलेशन, जब रूट निकलते हैं, फिर उसको क्या किया जाता है बच्चों, इधर से काट के उसको अलग जगह पे आप प्लांटिंग करते हो। इस पूरी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, टी बडिंग कहते हैं। और ये जो है हमारा रोज में जो व्यापारिक विधि से, जो जैसे कॉमर्शियल मतलब क्या होता है, जो आपको मान लीजिए बड़े बड़े गार्डन्स हैं जहां पे आपको रोज की खेती हो रही है, तो वहां पर जो है प्रोपेगेशन के लिए जो मोस्टली यही विधि जो है यूज किया जाता है। जैसे आपको पपीता में मैंने बताया था कि प्रोपेगेशन के लिए कौन सा विधि होता है, पपीता में बीज के माध्यम से प्रसारण करते हैं, यानी वहां पे प्रबंधन की विधि जो थी बच्चों वो क्या था, आपका बीज था, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको यहां पर भी ध्यान देना होगा बच्चों, हम ठीक, चलिए ओके। नेक्स्ट जो है आपको ध्यान देना होगा बेस्ट टाइम फॉर बडिंग, ठीक है, टी बर्डिंग वगैरह जो करते हो ना, तो बेस्ट टाइम फॉर प्रोपेगेशन कौन सी महीना होती है, नवंबर से फरवरी की जो माह होती है ये सबसे उत्तम माना जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बच्चा, सिंपल, जैसे आप देखोगे बीएचयू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट टाइम फॉर सोइंग ऑफ मस्टर्ड इज, सरसों की बुआई के लिए सबसे उच्चतम समय क्या माना जाता है, अक्टूबर नवंबर सितंबर अगस्त, इस तरह चार ऑप्शन दे देगा, अक्टूबर का महीना। इसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बडिंग के लिए सबसे इष्टतम समय, चाहे सबसे उत्तम समय कौन सा माना जाता है, तो नवंबर से फरवरी तक की जो समय होती है बच्चों वो सबसे उत्तम माना जाता है बडिंग के लिए। और प्लांटिंग के लिए बच्चों देख लो सितंबर से अक्टूबर, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, प्लांटिंग मतलब आप लगाते हो पौधे को, और बडिंग मतलब जो टी बडिंग वगैरह कराई जाती है उस समय पर जो है आपको यहां पे ध्यान देना होगा। तो कौन सी मेथड है बच्चों यहां पे, नवंबर से फेब्रुअरी तक का मंथ। नेक्स्ट बच्चों रोजा मल्टीफ्लोरा, ठीक है, रोजा मल्टीफ्लोरा इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टॉक फॉर वेस्टर्न इंडिया, अगर पश्चिमी भारत। अब रूट स्टॉक मतलब क्या होता है, जैसे ग्राफ्टिंग जब करते हो तो रूट स्टॉक अलग से लेता है और सियोन अलग से लिया जाता है, स्टॉक और सियोन, तो उसी में जो है बच्चे अगर हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स फ्रूट्स में भी आपको बताया गया था, जैसे मैंडेरिन पढ़ाते समय, ठीक है, वहां पर भी रूट स्टॉक की बातें आई थी, अलग अलग पौधे में जो है रूट स्टॉक की जब बात आती है तो रूट स्टॉक के लिए सबसे उच्चतम जो आपको पश्चिमी भारत में प्रयोग किया जाता है वो होता है बच्चों रोजा मल्टीफ्लोरा, ठीक है। ये रोजा कई अलग अलग स्पेसीज है, जैसे फ्लोरिबंडास होता है, ठीक है, ठीक है, डेनरी फोलिया होता है, तो इस तरह से अलग अलग इसके क्या होते हैं, अलग अलग स्पेसीज होते हैं। तो रोजा मल्टीफ्लोरा जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज रूट स्टॉक है, किस चीज के लिए, तो पश्चिमी भारत के लिए, यानी कि रोजा मल्टीफ्लोरा पश्चिमी भारत का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रूट स्टॉक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होती है, ठीक। अब इसी तरह से अगर बात करोगे उत्तरी भारत में बच्चों, तो उत्तरी भारत में जो हम लोग यूज करते हैं वो है रोजा इंडिका, देखिए रोजा साइनेंसिस, रोजा इंडिका, रोजा ग्रैंडिफ्लोरा, ठीक है, रोजा मल्टीफ्लोरा, इस तरह से इसके अलग अलग स्पेसीज होते हैं। जैसे गेहूं में भी आप पढ़े हो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम एजिप्लोइड्स, तो इसी तरह से जो बच्चों यहाँ पर भी क्या होता है, रोजा साइनेंसिस, रोजा इंडिका, रोजा फ्लोरिबंडास, रोजा ग्रैंडिफ्लोरा, रोजा मल्टीफ्लोरा, तो इस तरह से इसके भी क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग क्या होते हैं, स्पेसीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीफ्लोरा स्पेसीज है ये ज़्यादातर जो है बेस्ट रूट स्टॉक यूज होता है, ठीक है। चलिए ओके, कटिंग टाइम ऑफ रोज जो है बच्चों, देखो कटिंग टाइम ऐसा करके, कटिंग टाइम तो जब भी आपके पुष्प आ जाते हैं, जैसे आजकल तो आपको ऐसे ऐसे वेराइटीज भी आ गए हैं जो आपको 12 ही मास जो है 12 मंथ ही आपके जो है रोज के पुष्प जो है लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन कटिंग टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो होता है बच्चों वो होता है आपका स्प्रिंग सीजन के टाइम पे जो है इसकी हार्वेस्टिंग ज्यादातर जो है ग्रो होता है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए ठीक है ओके।
नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों को रोजा इंडिका जो है सबसे ज्यादा उत्तरी भारत में नॉर्थ इंडिया में जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो रोज हिप्स, जैसे रोज हिप का मतलब क्या होता है, फ्रूट ब्लैक कलर की होती है और बेरी टाइप, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फ्रूट टाइप इन रोज, अब कहोगे सर ये तो पुष्प होता है इसमें भी फल के प्रकार होते हैं, तो भैया कहीं पर भी भले ही उसके हम लोग फ्लोरल पार्ट्स फ्लावर अवस्था में लेते हैं लेकिन उसके भी फल जरूर बनते हैं, तभी तो वहाँ पे सीड प्रोडक्शन होगा और फिर आगे जो उसकी प्रजनन होगी और आगे जो है वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आगे बढ़ेगी, जो लैंगिक जनन होती है वहाँ पे जो है, अगर जब तक फल नहीं बनेगा ठीक है तब तक उसमें से बीज उत्पादन नहीं होगी और आगे का फर्दर जनरेशन जो है नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो इसीलिए रोज हिप्स को हम लोग क्या कहते हैं, गुलाब के कुल्हे कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको कहा जाता है जैसे फ्रूट ब्लैक इन कलर होता है इसका, और बेरी प्रकार बेरी टाइप, बेरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, सरस भी कहा जाता है, ठीक है, सरस प्रकार होता है फल का प्रकार जो है बच्चों इसका सरस होता है या फिर बेरी टाइप कह लीजिए। और रोज हिप जो होते हैं ना ये विटामिन सी जो है इसमें बच्चों बहुत प्रचुर मात्रा में कंज्यू पाया जाता है, यानी कि रोज हिप्स आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी जो है बच्चों वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इस चीज़ को भी आपको बेसिकली ध्यान देना होगा बच्चों। आगे अगर देख लें हम लोग तो रोज हिप के अलावा जो ये बीके रॉय चौधरी जो है इन्होंने पहली बार जो है रोज ब्रीडर थे, फर्स्ट इंडियन रोज ब्रीडर थे ये, ठीक है, बीके रॉय चौधरी, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा उतना ज़्यादा जो है काम नहीं किया था जितना डॉक्टर बीपी पाल साहब ने किया था, डॉक्टर बीपी पाल साहब ने फर्स्ट रोज की वैरायटी इवॉल्व किया था जिसका नाम था रोज शेरवात, ठीक है। और डॉक्टर बीपी पाल को जो है ना रोज ब्रीडर, इन्होंने एक किताब भी लिखा था रोजेज इन इंडिया करके, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, ठीक है। और डॉक्टर बीपी पाल क्या थे, रोज ब्रीडर थे और ये आईसीआर के डीजी भी रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और बीपी पाल ही थे जिन्होंने AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की भी शुरुआत किया था, ठीक है। तो बीपी पाल से जो आपके काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले व्हिच ऑफ द साइंटिस्ट इज अ पिनियर इन केस ऑफ पाइनियर इन केस ऑफ रोज कल्टीवेशन, यानी कि गुलाब खेती में, तो इनका बहुत ही मुख्य योगदान रहा है, इन्होंने पहली वेराइटी भी बनाई थी जिसका नाम था रोज शेरवात, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रियदर्शनी बीपी पाल के नाम से भी रोज के वैरायटी है, इनके नाम से भी इनको ऑनर करके जो है वैरायटीज बनाए गए हैं, ठीक। उसके बाद बीपी पाल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पहला आईसीआर के डीजी भी रहे हैं। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि AICRP के शुरुआतकर्ता कौन थे, तो इन्हीं के ड्यूरेशन पे जब इन्हीं कार्यकाल के समय जो है 1957 में जो है यहाँ पे AICRP इंडिया में जो है शुरू की गई थी सबसे पहली बार मक्के के लिए, ठीक है। तो ये सब जो भी पॉइंट्स बताया वो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अगला अगर बात करेंगे बच्चों बर्ड यूनियन, तो इट इज मोस्ट ससेप्टेबल टू लो टेम्परेचर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द रोज, ठीक है। बर्ड की जो कलिका जो अवस्था रहता है बर्ड, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है किसके प्रति, लो टेम्परेचर के प्रति देन अदर पार्ट, ठीक है। जैसे अगर आप बात करते हो कहीं पर भी अगर पुष्प की बात हो रही है, ठीक है, तो पुष्प में क्या होता है, पुष्प जो है आपके जैसे टेम्परेचर में अगर चेंजेस आती है, जैसे जब चिलिंग इंजरी हो जाती है या फिर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो आपके पुष्प जो है फ्लावर फॉल या फिर उसके जो है अलग टाइप के आपको वहाँ पर चिलिंग इंजरी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। रोज इन इंडिया बुक लिखा था, बिल्कुल सही बात है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे विंटर चिलिंग इज नेसेसरी इन फ्लावर बर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ रोजा डामासिकाना। देखो रोजा डामासिकाना जो है ना बच्चों, वहाँ पे विंटर चिलिंग जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग जैसे हम लोग बात करते थे कि ब्लांचिंग, जैसे हम लोग काउलीफ्लावर की बात करें, अगर काउलीफ्लावर में दो वेराइटीज मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था जो सेल्फ ब्लांच्ड था, ब्लांचिंग हम लोग अलग से कर रहे थे वहाँ पे, उसके पत्तियों से जो गोभी के जो कर्ड आता है उसको हम लोग क्या करते, ढक देते थे, और ये इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, ब्लांचिंग। लेकिन दो वेराइटीज ऐसे थे फुल गोभी के बच्चों जिनमें ब्लांचिंग की जरूरत नहीं होती थी, यानी कि वो हमारे पहले से सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी रहते थे। तो फटाफट बता दो कि कौन से दो वेराइटी ऐसे थे फुल गोभी के जो ऑलरेडी ब्लांच्ड वेराइटी है, ठीक है, सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी जो है आप फटाफट बता दीजिए कि कौन सा होगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस कब से चलेगी बच्चा आदित्य, ये जैसे हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों की एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस चलेगी बाबू, ठीक। हाँ फ्लोरिकल्चर खत्म होने के बाद जो आप लोगों की एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस चलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मेरा सारा चलो ठीक है बच्चों, आगे बता दो फटाफट। हाँ स्नोबॉल, बिल्कुल सही, धीरज कुमार पता नहीं, देखिए
एक चीज और, जितना तेजी से आप लोग एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हो ना, उतना तेजी से पीछे की चीजें भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक चीज और, हफ्ते में जैसे आप लोग अगर पढ़ते हो तो एक दिन जो है पूरा पुराने चीजों को रिवाइज करने के लिए भी एक से दो दिन रखिए। जैसे चार दिन आप लोग की एग्रीकल्चर की क्लासेस चलती है, जिस दिन नहीं चलती है बच्चों उस दिन आप पुराने नोट्स को रिवाइज करो। ये नहीं कि आज क्लास नहीं है तो आराम से बैठना नहीं है, उस दिन आप पुराने नोट्स को रिवाइज करिए ताकि आप लोगों को इस तरह से समस्या ना आए, ठीक है। पूसा स्नोबॉल और पूसा हिम ज्योति, ठीक है आलोक रंजन सही बताए। पूसा हिम ज्योति होता है और दूसरा होता है बच्चा आपका पूसा स्नोबॉल। त्रिपुरारी आनंद बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, बहुत सही, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ पूसा स्नोबॉल हॉर्टिकल्चर, देखो हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस ये दोनों के मैराथन क्लासेस जो आप लोगों के शुरू होंगे, ठीक है, आप लोगों को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। प्रिजर्वेटिव मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज को, अगर जैसे हम लोग मान ले यहाँ पे जैसे कहीं पर भी अगर सॉल्ट को यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं जैसे, और वहाँ पे हमेशा मॉइस्चर जो अलग से नहीं होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि कहीं अगर घर पे अगर मम्मी ने अचार बनाया है तो उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी हम लोगों को नहीं दिया जाता, उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी गया तो पूरा आपका जो अचार वो नष्ट हो जाता, खराब हो जाता, फंगस लग जाते हैं। इसी तरह से बच्चों प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन मतलब जैसे रोज की फ्लावर है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पुष्प की सबसे ज्यादा खेती जो है बच्चों वो कर्नाटक में होती है, उत्पादन तमिलनाडु में होती है, कल ही क्लास में तो कल या फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था, ठीक है। लेकिन उसकी कंजम्पशन तो ऑल ओवर इंडिया होती है, तो इसकी जो, और गुलाब के पंखुड़ी अगर आप बात करोगे सिंपल अपने घर से अगर तोड़ के आप ले आके ऐसे ही आप नॉर्मली रख दो घर में एक से दो दिन वो अपने आप क्या होते हैं मुरझा जाते हैं। लेकिन जो तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पुष्प हैं वो आपको फ्रेश अवस्था में जो है बच्चों उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल हर जगह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लावर्स की मेन हब जो है वो साउदर्न इंडिया है, वहीं से उसको जो है एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस सब को बचाने के लिए, ठीक है, इन सब को सुरक्षित और फ्रेश रखने के लिए जो है अलग अलग तरह के हम लोग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का यूज करते हैं जिसमें उसको फ्लावर को डिप करके रखा जाता है। जैसे अगर आप किसी बुके की दुकान में जाओ जहाँ पे पुष्प बिकते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आप देखोगे तो गुलाब के डंठियों को जो एक शुगर सॉल्यूशन में वो लोग क्या करते हैं उसको डिप करके रखे रहते हैं ताकि वो फ्रेश लगे, ठीक है, या फिर टाइम टाइम पे उसमें फ्लावर जो है फ्लावर्स पे जो वाटर स्प्रे करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है बच्चों इसकी कंपोजिशन क्या होता है, तो 1-3% शुगर, ठीक है, और प्लस आपको यहाँ पे HQC जो हाई क्वालिटी प्रोटीन ये भी आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेन ध्यान देना होगा ये शुगर सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और ये शुगर सॉल्यूशन हम लोग क्यों देते हैं बच्चों, तो ये शुगर सॉल्यूशन देने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्सिंग कहते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्सिंग ट्रीटमेंट इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर क्रॉप, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था बच्चों कि पल्सिंग इज रिलेटेड विथ, क्वेश्चन ये था, पल्सिंग इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, यानी कि इनमें से कौन सी फसल से संबंधित जो हमारा पल्सिंग है, ठीक। सबसे पहला आपको यहां पे रोज, ठीक है, नेक्स्ट आप यहां पे व्हीट या फिर एक टोमेटो कुछ भी इस एग्जांपल आप रख लीजिए इसमें। तो पल्सिंग जो है बच्चों ये हमारा रोज से रिलेटेड है। अब होता क्या है पल्सिंग में, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जो गुलाब के जो डंठियां होती है जो स्टीम उसके जहां से काटे गए थे कट फ्लावर्स जिसको एग्जैक्टली आप लोगों को बताया था मैंने, तो कट फ्लावर्स को क्या किया जाता है उसमें डिप कर दिया जाता है, उस शुगर सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, और उस शुगर सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जो है बच्चों वो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो फ्रेश रहता है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पल्सिंग कहते हैं। तो पल्सिंग ट्रीटमेंट इज डन और इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्लांट, यानी कि गुलाब के फूल की सेल्फ लाइफ बढ़ाने का, सेल्फ लाइफ मतलब क्या होता है, जैसे लंबे समय तक फ्रेश रहना। जैसे अगर हम बात करेंगे कुछ वेजिटेबल्स जैसे आलू प्याज ये सब अगर आप खरीद के ले आते हो तो काफी लंबे समय तक वो सुरक्षित अवस्था में रह पाता है, लेकिन टमाटर वगैरह ये सब क्या होते हैं, ज्यादा पेरिसेबल नेचर के होते हैं। पेरिसेबल का टर्म का मतलब क्या होता है, जो जल्दी नुकसान हो जाए बच्चों, ठीक है, तो जो जल्दी नुकसान हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिसेबल। तो कौन सी फ्लावर जो
और इसकी पेरिसिबिलिटी को कम करने के लिए, यानी कि इसकी पेरिसिबिलिटी बढ़ जाए ताकि लंबे समय तक जो है ये नुकसान ना हो, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पल्सिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और पल्सिंग ट्रीटमेंट कुछ नया नहीं, बस इसको सिंपल सुक्रोज की जो सॉल्यूशन होती है शुगर की, उसमें जो है बच्चों इसको डिप कर दिया जाता है। और जब आप सुक्रोज की सॉल्यूशन में इसको डिप कर दोगे तो आपका जो ये पुष्प है ये लंबे समय तक जो है बच्चों क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। ठीक है, ये आपका फ्रेश रूप से वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो आप लोगों को ध्यान क्या देना है बच्चों, हाइब्रिड टी वेराइटीज़। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अलग टाइप के रोज जो होते हैं, तो हाइब्रिड टी रोज जो होते हैं ना उसकी वेराइटीज़ क्या क्या है, तो हाइब्रिड परपेचुअल और चाइना टी रोज, इन दोनों के संकरण से जो है ये आपका टी वेराइटीज़ जो है आपके गुलाब के ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे बेडिंग वेराइटीज़। ठीक है, अब बेडिंग वेराइटीज़ में अलग अलग जैसे कुछ होते हैं आपका, और एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है लूज फ्लावर और कट फ्लावर जो है बच्चों आपको गुलाब में देखने को मिलेगा। लूज फ्लावर्स जो होते हैं ज्यादातर किसके लिए, तो बुके बनाने के लिए यूज होते हैं, बुके फॉर्मेशन के लिए। और ये जो कट फ्लावर्स होते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता है, या फिर इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी को वेलकम करना है तो इस तरह से पूरा डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इसके गुलाब के पुष्प जो है यूज किए जाते हैं। जैसे सजावटी के लिए, अगर मान लो कि बर्थडे वर्थडे में या फिर कहीं पर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ को डेकोरेट करना है तो उस तरह से आप गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है बिछा देते, चाहे किसी के रास्ते अगर बनाना है, ठीक है, तो वेलकम करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आप यूज करते हो गुलाब की पंखुड़ियाँ। लेकिन बुके फॉर्मेशन के लिए हमेशा जो है बच्चों यहाँ पे चीज, ठीक है, इस सब के लिए जो आप लोग लूज फ्लावर यूज करते हो रिलीजियस पर्पस के लिए, और कट फ्लावर आप यूज करते हो बुके बनाने के लिए। ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लीजिए, कट फ्लावर जो है बुके बनाने के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना है कि प्रोमिनेंटली लूज फ्लावर्स क्या होते हैं और कट फ्लावर्स क्या होते हैं और दोनों के यूजेस। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जो है बच्चों आपको गुलाब में देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद और किसी को कोई डाउट है? चलिए, चलिए ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, हाँ, फ्लावर एग्जीबिशन में भी इन सबको देखने को मिलता है बच्चों। और एक चीज और बता दें आपको कि BHU में जो है हर साल जो है आपको यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन अलग से लगाए जाते हैं, ठीक है, मालवीय भवन में। तो जो भी बच्चे अगर BHU के पार्ट बन जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर भी फ्लावर एग्जीबिशन, वहाँ पे आपको और बहुत सारे डाइवर्सिटी फ्लावर्स के देखने को मिलेंगे। वहाँ पे सिर्फ रोज के ही आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिलेगा, ग्लैडियोलस के अलग अलग, गुलदाउदी के, ठीक है, इस तरह से क्रैसेंथेमम के सारे फ्लावर्स आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, HQC, हाँ बच्चों, ये जो है आपको हाइड्रोक्सीक्विनोलिन साइट्रेट, ये जो केमिकल होता है बच्चों जिसमें उसको डिप किया जाता है, ठीक है, और उसी और उसमें साथ साथ उसमें जो है सुक्रोज भी मिलाया जाता है, दोनों की मिश्रण से वो तैयार किया जाता है एक लिक्विड, और उसमें जो है फ्लावर को डिप करके ज़्यादा समय तक जो है ये फ्रेश रहता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, ओके सर। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिला है? चलो देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा जो आप लोग को एग्रीकल्चर के भी जो है चार टेस्ट ऑलरेडी लग चुके हैं अनु पटेल, ठीक है, आप देखोगे वहाँ पे सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ये सब के टेस्ट लग चुके हैं, बायोलॉजी के भी जल्द ही लग जाएंगे। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है आप लोग को ध्यान देना होगा, जैसे अलग अलग आपके कलर वाइज जो है वेराइटीज होते हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, ब्रॉन्ज कलर और व्हाइट कलर, तो सबके अलग अलग वेराइटी है। जैसे तुषार, देखो ये किसकी वेराइटी है, सफ़ेद रोज की। अगर आप देखोगे तो रोज ही ऐसा फ्लावर है जो आपको मल्टी कलर में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे येलो रोज की वेराइटी क्या है, वसंत, किंग रैनसॉन और गोल्डन जाइंट, ये सब आपके क्या है, येलो कलर के वेराइटी है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ऑरेंज कलर का स्कारलेट सुपरस्टार, ठीक है, क्या है, स्कारलेट सुपरस्टार जो है बच्चों वो ऑरेंज कलर की वेराइटी है। नेक्स्ट है पिंक कलर की वेराइटी क्या है, कॉन्फिडेंस, फर्स्ट प्राइज और सोनिया, ये सब हमारे क्या है बच्चों, पिंक कलर की वेराइटी, पिंक कलर की जो रोज होती है उसकी वेराइटी। नेक्स्ट है बच्चा रेड कलर में क्रिम्सन ग्लोरी और हैप्पीनेस, ठीक है, ये दोनों हमारे रेड कलर के। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था क्रिम्सन ग्लोरी से रिलेटेड, ये किसकी वेराइटी है, क्रिम्सन ग्लोरी जो है बच्चा रोज की, वो भी रेड कलर की रोज की, यानी कि लाल गुलाब के पुष्प जो होते हैं उसके जो केस में है बच्चों वो क्या है आपका,
तो वेराइटी है आपका ग्रिम्सन ग्लोरी। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज कलर का, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा सनसेट सॉन्ग, ठीक। और व्हाइट का तुसार, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तुसार और क्रिम्सन ग्लोरी, ये दो वेराइटीज ऑलरेडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पूछे जा चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, रोज जो है बच्चा ऐसा नहीं कि कट फ्लावर से, रोज जो है आपका यहाँ पे कट और ग्लूज दोनों ही रूप में यूज होता है, ठीक है। जनरली उनके पर्पस के हिसाब से देखो, ऐसा नहीं कि जो फ्लावर्स हम लोग कट के रूप में यूज करते हैं सर उसको क्या लूज में यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसके पर्पस के हिसाब से। जैसे मान लो हमें अगर बुके बनाना है तो हम लोग कट फ्लावर का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको जैसे भगवान को चढ़ाने के लिए या फिर डेकोरेशन पर्पस में ऐसे पंखुड़ियां बिछाना हुआ कहीं, तो उन सब के केस में आप क्या यूज करोगे, लूज फ्लावर के लिए यूज करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं। देखो पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, आप लोगों को क्लास के टाइम पे ऐसे टेलीग्राम पे भी मिलता है, ऐप पे भी सारे पीडीएफ फाइल्स धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है कि पीडीएफ नहीं मिलेगा चाहे नहीं मिलता है, पीडीएफ मिलता है बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम पे जो है मैंने कल भी आप लोगों को पीडीएफ अपलोड किया था, ठीक है, एग्रीकल्चर का। बिल्कुल मिलता है आप लोगों को पीडीएफ, ठीक। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो आपको ग्रीन हाउस कंडीशन, ग्रीन हाउस कंडीशन में भी रोज की खेती होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस मतलब क्या होता है, सिंपल अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस मतलब होता है अगर किसी भी चीज को अगर आप आर्टिफिशियल कंडीशन में, रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हो तो उसी को क्या कहोगे, ग्रीन हाउस। जैसे कि ग्रीन हाउस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फसल की खेती हम लोग करते हैं जो ऑफ सीजन हो, जैसे मान लो जिसकी जब सीजन नहीं भी होती है तब भी उसकी खेती अगर की जाती है तो क्यों, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जलवायु की स्थिति जो होती है, वेदर, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सारी चीजें जो हम लोग अपने कंट्रोल में रख के जो ग्रीन हाउस में किया जाता है बच्चों। तो ग्रीन हाउस कंडीशन जब हम लोग बात करेंगे गुलाब की खेती के लिए बच्चों, तो ग्रीन हाउस कंडीशन मतलब डे का तापमान जो आपका 25 डिग्री होना चाहिए और नाइट का टेम्परेचर जो है बच्चों आपका कितना होना चाहिए, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है बच्चों, ये इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करें CO2 की कंसंट्रेशन, जैसे अगर ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन होना चाहिए, 1000 से 3000 ppm जो है CO2 की कंसंट्रेशन। ये जो है एक हिसाब से बच्चों ग्रीन हाउस की कंडीशन है जिसमें आपके कल्टीवेशन होती है, जहां पे फसल की खेती की जाती है, ठीक है। आप अगर कॉमर्शियल पर्पस उगाए जाते हैं तो उसकी कंडीशन जो है बच्चों इस तरह से होना चाहिए, वहां पे एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, उसकी जलवायु अवस्था जो वहां पे स्थिति होती है वो इस तरह से आपको मेंटेन करना होगा, उसकी टेम्परेचर जो है आपको रेगुलेट करके रखना होगा, ना कि ज्यादा हाई ना तो ज्यादा लो टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है लो टेम्परेचर पे भी जो है बच्चों वहां पे चिलिंग इंजरी की समस्या आएगी और हाई टेम्परेचर पे भी आपका मॉइस्चर स्ट्रेस झेलेगा फसल, जिसके कारण से आपके पुष्प जो है खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपको ध्यान देना, अलग अलग वेराइटीज का फर्स्ट रेड जो है ये मोस्टली ग्रोन इन ग्रीन हाउसेस, यानी कि कभी क्वेश्चन पूछ दे कि ग्रीन हाउस में उगाए, सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली जो है वेराइटी कौन सी है, तो फर्स्ट रेड वेराइटी है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, फर्स्ट रेड जो है ये क्या है हमारा, मोस्टली ग्रोन इन द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस में आपको ये ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों ग्रैंड गाला, ठीक है, ग्रैंड गाला और ये सुचित्रा भी बच्चों, ये सब क्या है, तो जैसे जहां गुलाब के जो पुष्प अगर आप देखोगे तो गुलाब में कांटे होते हैं बच्चों, ठीक है, तो गुलाब में जिन वेराइटी में कांटा नहीं होता वो है, एक है आपका सुचित्रा, सुचित्रा इज अ थ्रोनलेस वेराइटी ऑफ रोज, यानी कि यहाँ पर भी कांटे नहीं होते हैं, ठीक। और दूसरा है बच्चों आपका ग्रैंड गाला, तो ग्रैंड गाला भी क्या है हमारा, थ्रोनलेस वेराइटी है, ठीक है। और ये सब जो है ऐसे वेराइटीज इनको नॉर्मली हम लोग ग्रीन हाउस कंडीशंस में भी उगाया जाता है, जैसे ग्रैंड गाला, फर्स्ट रेड, ये सब ऐसे वेराइटीज हैं जिनको ग्रीन हाउस कंडीशन पे उगाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वेराइटीज टेक अबाउट 60-65 डेज फॉर ब्लूमिंग आफ्टर प्रूनिंग, ठीक है, यानी कि कटाई छटाई, जैसे रोज में भी अगर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा विग्रस ग्रोथ हो जाती है और उसके जो ब्रांचेज होते हैं हेवी ज़्यादा निकलते हैं जिसके कारण से कांटे वगैरह जो है रहता है उसमें, तो उसमें भी हम लोग जो है प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग मतलब सिंपल आप लोगों को कई बार बताया गया है बच्चों, प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई, ठीक है। सर डोमेन, मेरा डोमेन एजी है तो क्या बायो पढ़ना जरूरी है? देखो
ये सब सारी चीज़ें जो आप लोगों को बता दिया गया है कि अगर एजी है तो आपको बायोलॉजी अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बीएचयू के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एजी से है तो ए बी सी का ऑप्शन है वहाँ पे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एजी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किए हैं तो वहाँ पर आप अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है और किस चीज़ की नहीं करनी है। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो जो है मार्गदर्शन सीरीज़ में अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। इसलिए आप वहाँ से कर सकते हो, परेशान नहीं होना है, ठीक। हाँ, उस तरह की परिस्थिति जो है वहाँ पे बनाया जाता है। हाँ, सारे पीडीएफ फाइल्स बिल्कुल टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो आपको कितना दिन लगता है, तो 60 से 65 दिन लगते हैं ब्लूमिंग मतलब पुष्प खिलने में, ठीक है। पूर्ण रूप से जो पुष्प खिलने के लिए आपको कटाई छटाई के बाद जो आपको 60 से 65 दिन का समय लगता है। और ये कटाई छटाई मोस्टली क्यों किया जाता है बच्चों, ताकि जो आपका ग्लूकोज जो एनर्जी होता है प्लांट का वो अनवांटेड अनप्रोडक्टिव ब्रांचेज में ना डाइवर्ट हो जाए, वो डाइवर्जन को एनर्जी के डाइवर्जन को रोकने के लिए और वो सही दिशा में जाए जिसके कारण से आपके फ्लावर की बेहतर ग्रोथ हो सके। इसी के लिए जो मोस्ट ऑफ द वेराइटीज टेक अबाउट 60 to 65 डेज लेता है, कब? ब्लूमिंग के लिए, आफ्टर प्रूनिंग, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों टोपाज, बेस्ट कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, ओवर पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आपको जो इरिसिफी स्पेसिस के कारण से होता है उसके लिए जो टोपाज जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, इसके कंट्रोल, इसके नियंत्रण के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रूनिंग इज टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रोज ब्रीडिंग, ठीक है। रोज ब्रीडिंग के लिए कटाई छटाई जो हम लोग करते हैं वो एक टेक्निकल जो है आपका स्टेप है या फिर टेक्निकल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको प्रूनिंग गुलाब प्रजनन का तकनीकी पहलू है, ठीक है, क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट है ये। और जब प्रूनिंग हो जाती है उसके बाद आपको 60-65 दिन के बाद वहाँ पे पुष्प लगते हैं और आपको उसी समय जो आप बडिंग के लिए भी वहाँ से आप जो है उसके पार्ट्स ले सकते हो, जिसके कारण से आप टी बडिंग से इसकी कॉमर्शियल प्रोपेगेशन आप कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सुचित्रा, ठीक है। सुचित्रा हमारा कैसा वेरायटी है बच्चों, तो थ्रॉनलेस वेरायटी, यानी कि कांटी रहित किस्म है, इसमें जो कांटे नहीं होते बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है सुचित्रा जो है कैसा वेरायटी है बच्चों, तो थ्रॉनलेस वेरायटी है, किसके लिए, तो गुलाब का। अगला आपको ध्यान देना होगा कि कॉमर्शियल लाइफ ऑफ रोज, जैसे कोई भी अगर प्लांट ही होता है, मान लो एक मैंगो की ही प्लांट की बात करते हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट जो वो इनिशियल अपने ईयर्स में देते हैं, इनिशियल डेज में देते हैं, वो आपको जब बहुत साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद उसी आम के पेड़ से जब फल आते हैं बच्चों, तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं होता है, क्योंकि सबकी क्या होती है कि एफिशिएंसी, जैसे एक सामान्य रूप से एक नॉर्मल इंसान की बात कर ले तो जितना जोश ऊर्जा के साथ हो अपने एडल्टहुड एज में काम करता है, उतना एज जोश ऊर्जा के साथ वो बुढ़ापे में नहीं काम कर पाता है, उसकी जोश जो है वो क्या होता है उस समय जो है वो थोड़ा सा सुस्त पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है बच्चों पौधों में भी क्या होता है, कॉमर्शियल लाइफ, ऐसा नहीं है कि पौधा सूख के खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन कॉमर्शियल लाइफ ऑफ रोज जो होता है बच्चों वो 8 साल का ही हम लोग जनरली लेते हैं। अब कॉमर्शियल लाइफ का मतलब क्या होता है, तो कॉमर्शियल लाइफ का मतलब होता है कितना दिन हमें वहाँ से प्रोडक्टिव क्वालिटेटिव फ्लावर्स मिलेंगे जिसकी गुड मार्केट वैल्यू होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमर्शियल टाइम, ठीक है। तो सारा चीज़ जैसे एग्रीकल्चर में कुछ भी चीज़ अगर कंडीशन कोई भी चीज़ कल्टिवेट कर रहे हो तो उसको रिटर्न्स के साथ जो है लोग ज़्यादा कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो कोई भी अगर फसल लगाने में 2000 की लागत लग रही है और अगर वो फसल उगने के बाद 1500 में बिक रहा है तो कोई मतलब नहीं उस तरह के खेती करने से। तो इसीलिए जो बच्चों कॉमर्शियल लाइफ टाइम जो होती है, कॉमर्शियल लाइफ जो होती है गुलाब के पुष्पों का, वो 8 साल का होता है, यानी कि 8 साल तक के दौरान में जो है बच्चों ये अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा जो आपको यहाँ पे मिलेंगे रिटर्न्स, ठीक। उसके बाद क्या होता है उसमें जो है आपके फ्लावर्स की क्वालिटी घट जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्वालिटी कम हो जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। सर डोमेन में 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं ना, डोमेन में क्यों भाई 2 सब्जेक्ट लोगे, किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नागालैंड के अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 2 डोमेन के साथ एग्जाम देने को मिले, हर यूनिवर्सिटी में 3 डोमेन ऑलरेडी बीएससी एजी का फॉर्म भर के दिखाया गया है, मार्गदर्शन सीरीज का वीडियो देखो, फिर भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं 2 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, तो क्या मतलब हुआ अलग से मार्गदर्शन सीरीज में आपको वीडियोज देने का, ताकि वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, उसको देखते नहीं हो तुम लोग और ऐसे ही फॉर्म भरने चले जाते हो तो गलती तो होगी। अब जो गलतियां कर दी है उस हिसाब से आप सोच रहे कि वो सही किया है हमने, तो 2 ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो 2 लेने के बाद आप अगर एग्रीकल्चर से लिए हो तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होगे, नागालैंड यूनिवर्सिटी के लिए, उसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटी में आपकी एलिजिबिलिटी खत्म, अगर आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट डोमेन में लिया है तो, ठीक है। इसीलिए गलतियां करने से पहले आप लोगों को इतने बार बताया गया है
कि फॉर्म भरने में हड़बड़ी मत करो, अभी जब टाइम आएगा सारी चीज़ें बताया जाएगा, सब कुछ बता के क्लियर करके बता दिया गया है, फिर भी आप लोग इस तरह से गलती करते हो। अब अगर देखो गलती कर भी लिए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, करेक्शन विंडो खुलेगा, ठीक है, उस समय आप लोग अपना करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, परेशान मत होइए कि इसके लिए इतना भर दिए तो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर भर दिए हो तो ठीक है। चलो तीन ही लिया है तब तो अच्छा है, ठीक है नेहा पांडे, चलिए बेटा ठीक है तीन लिया है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको जैसे जो मैथ बैकग्राउंड से है ना बच्चों, उसको आप पीसीए लिए हो तो ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ की क्राइटेरियाज देख लेना एक बार जाके वीडियोस, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कमर्शियल लाइफ आपकी रोज की कितनी हो गई, 8 ईयर्स हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपको ब्लू पिगमेंटेशन, ब्लू पिगमेंटेशन जो आपको गुलाब में देखने को मिलता है ये किसके कारण से होता है, तो डेल्फिनिन के कारण से होता है ये कंपाउंड। जैसे ब्लू पिगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे गुलाब के पुष्प में अगर नीले धब्बे जो आपको छोटे छोटे डॉट डॉट देखने को मिलेंगे तो ये जो है मुख्य रूप से किसके कारण से होता है, तो ब्लू पिगमेंटेशन जो होता है बच्चों वो डेल्फिनिन के कारण से होता है, यानी कि गुलाब में नीले रंग डेल्फिनिन के कारण से होता है, ठीक है। उसके बाद अगला आपको ध्यान देना, ब्लू कलर की रोज वेराइटी जो है बच्चों वो सांबा है, ठीक है, सांबा जो वेराइटी है बच्चों वो उसके जो पुष्प अगर देखेंगे आप तो नीला कलर का होता है, यानी कि ब्लू येल्लो ब्लू कलर के होते हैं, नीला रंग का होता है, और कौन सी वेराइटी है ये, तो सांबा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लू कलर जो होता है चाहे ब्लू पिगमेंटेशन तो ये किसके कारण से होता है, डेल्फिनिन के कारण से होता है, लेकिन ब्लू कलर की जो पेटल्स होते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं सिंपल अगर किसी फ्लावर में कि वो इस कलर का है, यानी कि उसमें कलर हम लोग किसकी देखते हैं, पेटल्स की देखते हैं, यानी कि कोरोना की देखते हैं, यानी कि पंखुड़ियों की देखते हैं, तो जो पंखुड़िया का रंग रहेगा बच्चों वो नीला रहेगा और वेराइटी का नाम क्या होगा बच्चा, सांबा होगा, ठीक है। तो नीले रंग की गुलाब की किस्म का नाम क्या है बच्चों, सांबा है, ठीक। अगला बच्चा आपको ध्यान देना होगा, सीड सेटिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन रोज, यानी कि सीड सेटिंग यानी कि बीज जमाव की बड़ी समस्या होती है आपकी कहाँ पर, रोज में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसकी प्रोपेगेशन जो होता है ना बच्चों सीड से नहीं करते हैं, हम लोग इसमें प्रोपेगेशन जो है ज़्यादातर कॉमर्शियली टी बर्डिंग से इसीलिए किया जाता है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा सीड सेटिंग की प्रॉब्लम होती है। अगला पॉइंट बात करते हैं गुलकंद, जैसे गुलकंद जो है बच्चों एक क्या है, तो एक तरह का पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे अगर आप गुलकंद जैसे मीठा पान वगैरह कंज्यूम करते हैं उस सब में जो है गुलकंद वगैरह यूज किया जाता है बच्चों। तो गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पेटल एंड सुगर, यानी कि सखड़ा और जो उसके गुलाब के पंखुड़ियां होती है उसको 1:1 अनुपात में, यानी कि अगर आप यहाँ पे 1 किलो पंखुड़ियां ले रहे हो तो 1 किलोलीटर जो आपको यहाँ पे सुगर भी 1 किलो लेना होगा, और उसको पल्सिंग उसको जो है मिक्स करके जो है गुलकंद का निर्माण किया जाता है बच्चों। तो गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पेटल यानी कि पंखुड़ियां और शुगर को, चीनी सखड़ा को, उसको हम लोग 1:1 ये आपको कंपोजिशन याद रखना होगा, 1:1 अनुपात में, एक संबंधी एक अनुपात में अगर आप गुलाब की पंखुड़ियों को और जो है बच्चों आप अगर पेटल शुगर को यूज करके अगर आप तैयार करते हो तो वहीं से आप जो है गुलकंद बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपको ब्लूइंग, ब्लूइंग ऑफ गुलाब की जो पंखुड़ियां का जो नीला पड़ना जो होता है बच्चों ये किसके कारण से होता है, तो एमोनिया एक्यूमुलेशन के कारण से होता है, और एमोनिया से दो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है, एक सॉइल साइंस में पूछा जाता है बच्चों कि जो वोलाटलाइजेशन होता है जैसे नाइट्रोजन की जो लॉस होती है बच्चों, इसे मुख्य रूप से जो है तीन तरीके से होता है, नाइट्रोजन का जो लॉस होता है ना बच्चों वो मुख्य रूप से तीन तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का लॉस एक होता है वोलाटलाइजेशन से, दूसरा होता है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन से, और तीसरा होता है बच्चों लीचिंग से। ये तीन जो है आपके नाइट्रोजन लॉस होने के तरीके हैं, क्या है बच्चों, नाइट्रोजन लॉसेस। अब नाइट्रोजन के लॉसेस जो इन तीन विधि से ज्यादा होता है, ठीक। अब वोलाटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे वोलाटाइल सब्सटेंस कंपाउंड्स होते हैं जैसे कैम्फर, कपूर की बात करें, उसको ऐसे रख दोगे तो मॉइस्चर से वो सीधे क्या होते हैं, सॉलिड से सीधे जो गैसेस फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली वोलाटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो है वोलाटिलाइजेशन से जो है बच्चों नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा लॉस किस रूप में होती है बच्चों, तो एमोनिया गैस के रूप में होती है, यानी कि लॉस जो होती है वो किसके रूप में होता है, एमोनिया गैस के रूप में। तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वोलाटिलाइजेशन से अगर नाइट्रोजन की लॉस हो रही है बच्चों तो वो किस रूप में हो रहा है, तो एमोनिया गैस के रूप में हो रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है डीनाइट्रिफिकेशन है बच्चों, अगर देखोगे तो N2O एंड NO2 के फॉर्म में जो है
N2O और N2 नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, अगर बात करेंगे सिंपल, अगर गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस के रूप में अगर लॉस हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, डिनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। यानी कि इसको दो तीन तरीके से पूछ देगा, इंड प्रोडक्ट ऑफ डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, यानी कि डिनाइट्रीकरण का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो ये भी आपका N2O और N2 होता है। नेक्स्ट जो है बच्चों, लीचिंग में जो लॉस ज्यादा होता है बच्चों वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है जहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशन यानी कि जल भराव स्थिति होते हैं वहां पर फसल खेती करते समय जो है हम लोग नाइट्रेट खाद यानी कि नाइट्रेट उर्वरक का जो है प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, बिल्कुल अमोनिया गैस जो है होते हैं ये हम लोगों का ज्यादातर वोलेटिलाइजेशन से लॉस होता है। हाँ सर, क्या पाउडरी मिल्ड्यू सभी प्लांट्स में लगते हैं? देखो हाँ, लगभग जो अगर देखोगे तो पाउडरी मिल्ड्यू जो हम लोगों के हर एक प्लांट, जैसे उसमें होता क्या है, सफ़ेद आपको जो है पाउडर लाइक सब्सटेंस जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर कुकर बीट्स वगैरह में जो उतना नहीं कॉमन होता है, जो हमारे जो लौकी वाले वर्ग के जो कुल है उस कुल के पौधों में उतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता, लेकिन नॉर्मली हाँ हर पौधे में जो है ये लग सकता है, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू इरिसिफी स्पेसीज के कारण से होते हैं, ठीक। चलो हाँ, सेमी रेड में जो है ये ज्यादातर होते हैं। चलिए ओके, आगे क्या है? हाँ बिल्कुल बताया गया था, हाँ डिनाइट्रिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है, तो यहां पर नाइट्रेट गैस के रूप में, अगर नाइट्रेट के रूप में तो लीचिंग से लॉस होगा बच्चा, ठीक है। अब जो है बच्चों, आपको नेक्स्ट जो फ्लावर जो है, आप लोगों को कुछ एस्पेक्ट्स आज की क्लास में कवर करूंगा ग्लैडियोलस का, और कुछ एस्पेक्ट्स जो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ग्लैडियोलस, क्राइजेंथेमम, ये सारे फ्लावर्स जो आप लोगों को कल की क्लास में भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग ग्लैडियोलस का जो है आज के लेक्चर में देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ सर, राइस का प्रयोग, हाँ राइस का प्रयोग इसीलिए यूरिया में नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो आपके लॉसेस ज़्यादातर हो जाता है डिनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग के कारण से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे अमोनियम सल्फेट का यूज जो है ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, बाकी सब पाउडर मिल्ड्यू रिसिफी के कारण से होता है और ओईडीएम में मैग्नीफेरी के कारण से मैंगो में होता है, बिल्कुल। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है ओके। ग्लैडियोलस, अब ग्लैडियोलस जो है बच्चों क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फैमिली क्या होती है बच्चों, इरिडिएसी होती है। अब इसका फैमिली का अगर बोटेनिकल नेम देखोगे तो ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस, क्या होता है बच्चा, ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस जो है बच्चों इसका बोटेनिकल नेम है ग्लैडियोलस का, ठीक है। ग्लैडियोलस के जो बोटेनिकल नेम है बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस, ठीक। अब इसकी फैमिली जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लैडियोलस किस कुल का पौधा है, यानी कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस परिवार का पौधा है, तो ये जो है बच्चों इरिडिएसी फैमिली के क्रॉप है, ठीक है। कहाँ से है, इरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट पूछा जाता है ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति स्थान अगर बात करेंगे तो ये हमारा अफ्रीका या फिर एशिया माइनर टेट्राप्लॉइड के लिए, और यूरोप जो है डिप्लॉइड के लिए। अब देखिए डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड का मतलब क्या होता है पहले समझो, इसमें क्या होता है बच्चों, 2n = 2x = 30, यानी कि इसमें मूल गुणसूत्र संख्या जो होती है कितना होता है, 15 होता है। अब इसमें 2n = 4x = जो बच्चों 60 होता है, यहाँ पर भी मूल गुणसूत्र संख्या जो होते हैं बच्चों वो 15 ही होता है, ठीक है। अब ये दोनों ही चीज़ें आपने नोट कर लिया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो हमारे ये 2n = 60 है ना, ये हमारा कैसा वेराइटी है बच्चों, टेट्राप्लॉइड है, यानी कि ये जो है बच्चों हमारा कैसा है, चार गुणित है, और ये जो होता है बच्चों वे दो एक गुणित है, तो दो गुणित। अब मूल गुणसूत्र संख्या तो यहाँ पे 15 ही रहेगा। अब यहीं पर इसकी उत्पत्ति स्थान में, अगर डिप्लोइड जो होते हैं यानी कि जो दो गुणित किस्म होते हैं उसकी उत्पत्ति स्थान जो है यूरोप है बच्चों, और जो आपका चार गुणित होता है उसकी उत्पत्ति स्थान जो है अफ्रीका या फिर एशिया माइनर माना जाता है। अब आपको एक लाइन में सिंपल जो है आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि हाँ जैस्मिन जो होता है वो एमेबिलिटी के लिए होता है, बिल्कुल सही त्रिपुरारी आनंद, ठीक है आएगा बच्चा। देखो सारे चीज़ें कब होगा, अगर मान लो सिर्फ खाली हम लोग MCQ ही करते रह जाएंगे तो कॉन्सेप्ट कब पढ़ोगे, और जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो MCQ जो ऑलरेडी आपको DPP और टेस्ट सीरीज के फॉर्म पे MCQ अवेलेबल है ऐप पे, ठीक है। यहाँ पर MCQ आने में थोड़ी सी अभी टाइम लगेगी, पहले हॉर्टिकल्चर कंप्लीट होगी
तब जाके आपको MCQs मिलेगा, ठीक है। पहले पूरी फ्लोरिकल्चर और आपको जो कुछ एस्पेक्ट्स बचे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग MCQ लेकर आएंगे, ठीक है आकाश। चलो नेक्स्ट आपको पॉइंट जो है आपको ध्यान देना होगा बच्चों कि ये जो है ग्लैडियोलस को जो है किंग ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर किंग ऑफ फ्लावर जो है बिहार बोर्ड के बुक्स में रोज को बोला गया है, तो रोज को जो है यही चीजें डाउटफुल है, लेकिन आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मानोगे तो अगर स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया जाए तो किंग ऑफ फ्लावर जो है ग्लैडियोलस को माना जाता है और क्वीन ऑफ फ्लावर जो है बच्चों वो माना जाता है किसको, रोज को, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ग्लैडियोलस जो है बच्चों ये हमारा किंग ऑफ फ्लावर है, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ जो है बच्चों वो आपका 16 से 30 डिग्री के तापमान की आवश्यकता पड़ती है ग्लैडुलस की वृद्धि विकास के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से फुल्ली ग्रोन अप होने के लिए, पूरी वृद्धि विकास के लिए आपको 16 से 30 डिग्री का तापमान। वहां पर भी आपको ग्रीन हाउस कंडीशन ने बताया था, नाइट टेम्परेचर आपका जो है कितना था 16 डिग्री और डे टेम्परेचर आपका 25 डिग्री। इस तरह से बच्चों आपको एक रेंज जो देखोगे कहीं ना कहीं तो 16 से 30 डिग्री के रेंज जो होता है वो ऑप्टिमम माना जाता है फ्लावर कल्टीवेशन के लिए, यानी कि पुष्प खेती के लिए जो आपका 15 से 30 डिग्री या फिर 16 से 30 डिग्री का जो होता है वो चीजें जो आपका बिल्कुल, हाँ पूरा हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करने के बाद जो आप लोगों को MCQ सेशंस मिलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ गया इसीलिए तो बता रहा हूं बच्चा। चलिए ठीक है, हाँ किंग ऑफ फ्लावर जो है ग्लैडियोलस, बिल्कुल सही। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। तब यहां पर इट रिक्वायर्स ओपन सनी सिचुएशन। ओपन सनी सिचुएशन मतलब इसलिए खुली धूप वाली स्थिति जो है इसके वृद्धि विकास के लिए जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो फरवरी मार्च वाला जो महीना था अभी बीता कुछ दिन पहले जो आपको देखोगे तो अभी ग्लैडुलस जो है ग्राउंड में लगी थी सब जगह, जैसे BHU में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ग्लैडुलस की बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे खेती होती है रिसर्च पर्पस के लिए, जो है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे खेती की जाती है ग्लैडुलस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब आओगे तब आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। लॉन्गर टेप लेंथ इंप्रूव्स स्पाइक क्वालिटी, यानी कि जब आपके जो दिवस लंबी अवधि जो रहता है, दिन का जो अवधि रहता है वो अगर लंबा है यानी कि लंबे समय तक है तो इसके कारण से आपकी स्पाइक की जो क्वालिटी होती है वो अच्छा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसको धूप की ज्यादा आवश्यकता चाहिए, ये स्टार्टिंग में ही है। चलो ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है आकाश। चलो यहां पे जो आप लोगों को इस तरह से जो हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए ओके नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे प्लांटिंग टाइम। प्लांटिंग टाइम क्या होता है, जुलाई से दिसंबर का जो समय होता है वो रोपान के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कि अगर आपको ग्लैडियोलस के पौधे लगाने हैं यानी कि ग्लैडियोलस की खेती करनी है तो आपका जो जुलाई से आपका दिसंबर का जो माह होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है, जिस खेती के लिए। तो आपको यहाँ पे सबसे उत्तम समय जो है जुलाई से दिसंबर का माह माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, कॉर्म शुड बी ट्रीटेड विथ 0.2% बेबिस्टिन, यानी कि इसकी जो कॉर्म होते हैं जैसे देखो प्रोपेगेशन के लिए यानी कि प्रबंधन के लिए जो है बच्चों ग्लैडुलस में कौन सा पार्ट यूज किया जाता है बच्चों, तो कॉर्म जो होते हैं ये ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। और कॉर्म में अगर हम बात करें तो 0.2% बेबिस्टिन से अगर आप इसको उपचारित कर देंगे और तब अगर बोएंगे तो वहां पे जो आपको फंगस वगैरह लगने के चांसेस कम रहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग बीज उपचार कर रहे थे, कोई भी पौधा लगाने से पहले बीज उपचारित करते हो, तो इसी तरह से जो यहाँ पे पौधा लगाने से पहले जो है इसके कर्म को जो है उपचारित किया जाता है, और उसको कर्म को उपचारित करने के लिए आपको कितना परसेंट, 0.2% बेबिस्टिन का प्रयोग करते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन जो है इट इज यूज्ड टू ब्रेक डोरमेंसी ऑफ कॉर्म, यानी कि अगर मान लो सुसुप्तता आ गई कॉर्म्स में, जैसे हर पौधे में जो है एक स्टेज आती है जिसको हम लोग डोरमेंसी कहते हैं या फिर सुसुप्तता कहते हैं, इसका मतलब होता है द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है, जिस अवस्था में जो है वृद्धि विकास जो है थम जाती है, रुक जाती है बच्चों, ठीक है। विभूति भूषण सर मेडिसिनल प्लांट भी पढ़ाएंगे क्या? देखो बच्चों जो चीजें आपके सिलेबस में है वो चीजें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स को बस ब्रीफ में कि कौन से मेडिसिनल प्लांट में क्या पार्ट कंज्यूम किया जाता है, जैसे अश्वगंधा सर्पगंधा इन सब में जो है आपको कौन सा पार्ट कंज्यूम किया जाता है, ये सब चीजें बस बेसिक्स हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पूरी डिटेल जो है आपको मेडिसिनल प्लांट नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। हाँ विंटर सीजन का फ्लावर है, बिल्कुल सर। कॉर्म क्या है? देखो कॉर्म मतलब इस तरह से होता है, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, और यही जो है बोया जाता है,
और इसी को बोने का दिए जर्मिनेट हो गए यहाँ पे, जो आपके ये इसके पुष्प बनते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, कॉर्म कहते हैं, ठीक। और यही कॉर्म की जो है उपचारित होती है, और यही कॉर्म को बेविस्टिन से, कॉर्म बेविस्टिन, कॉर्म नहीं बाबू, कॉर्म है, CORM है, ठीक है आकाश। बेविस्टिन मतलब क्या है, एक तरह जैसे फंजीसाइड जानते होंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो इस तरह से कवकनाशी, इसको हम उपचारित कर देते हैं पहले, ताकि जब हम बोएंगे तो उसमें ना लगे। जैसे आप जानते हो ना, बीज उपचार जब करते हो तो उसका सही क्रम FIR आपको कई बार पढ़ाया हो, ठीक है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इस तरह से ये सही क्रम होता है किसके लिए, बीज उपचार के लिए। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे बेविस्टिन से अगर आप उपचारित कर दोगे कॉर्म को, तो इसके कारण से क्या होगा, जब आपके फसल लगेंगे तो वहां पर जो है आपको फंगस का इन्फेक्शन जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसके कारण से आपका पौधा जो है वो हेल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोहाइड्रिन। तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन इज यूज टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ कॉर्म, यानी कि सुसुप्तता जो होती है कॉर्म में, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो बच्चों इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही चीजें था आपको जो कॉर्म में, जो आपको यहाँ पे सुसुप्तता के लिए आप क्या यूज करोगे, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बच्चों, और आपको जो है हाँ ये बल्ब की तरह ही रहता है, बिल्कुल ये बल्बस जो स्ट्रक्चर, जैसे प्याज वगैरह में हम लोग देखते हैं ना, तो उसी बल्बस स्ट्रक्चर के ही तरह रहता है। हाँ हो सकते हैं, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, ठीक है नया। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला जो है बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ग्लैडियोलस इज अ 7 month क्रॉप। अगर पूरी उसकी अगर साइकिल देखोगे, कॉर्न प्लांटेशन से लेकर उसकी पूरी साइकिल कवर करने में, तो अगर फुली ग्रोन जैसे यहाँ से लेकर कॉर्न प्रोडक्शन तक, तो उसमें जो है लगभग 7 month का समय जो है लगता है बच्चों। नेक्स्ट है आपको हीलिंग इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ ग्लैडियोलस, ठीक है। हीलिंग इज द इम्पॉर्टेंट, जैसे अगर प्लांट ग्रो करने लगता है बच्चों, तो वहाँ पर जो है आपको उसकी मिट्टी इस तरह से आपको करना पड़ता है, ताकि उसके ग्राउंड सपोर्ट जो है उसको बेहतर तरीके से मिल सके, और उसी एप्लीकेशन को क्या कहते हैं, हीलिंग। तो हीलिंग जो जैसे पल्सिंग हमारा गुलाब के लिए इंपॉर्टेंट था, इसी तरह से हीलिंग टर्म जो है बच्चों, ये आपका ग्लैडियोलस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। देखिए हीलिंग ग्लैडियोलस का एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, यानी कि जो क्रियाएं की जाती है बच्चों, वो आपका एक महत्वपूर्ण क्रियाएं क्या है बच्चा, हीलिंग है, ठीक। अब यहाँ पर प्रिजर्वेशन यानी कि इसको संरक्षण के लिए आपका कौन सा घोल तैयार करोगे, तो 20% सुक्रोज और आपका 200 ppm HQC, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन क्लोराइड, ठीक है, ये एप्साइट्रेट, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी बताया था मैंने HQC, तो वही HQC यहाँ पर भी आप जो है तैयार करते हो। यहाँ पर भी देखो फ्रेशनेस के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसको, पुष्प को जो है यहाँ पर भी सुक्रोज और HQC का ही सोल्यूशन यूज किया जाता है, ताकि वो फ्रेश रहे, ताकि फ्लावर को जो है लंबे समय तक जो है सुरक्षित और फ्रेश अवस्था में रखा जा सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। हाँ फंगीसाइड होता है बेविस्टिन, कार्पटेन, ठीक है, सारी चीज़ें FIR, बिल्कुल फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और ये, चलिए ठीक है, ओके। हाँ भाई हलिंग जो है धान में करते हो बाबू, प्रो अमन, ठीक है, और हीलिंग जो है हम लोग यहाँ पे ग्लैडुलस में कर रहे हैं। हलिंग का मतलब बिल्कुल ही अलग है, दोनों में कुछ संबंध ही नहीं है भाई। हलिंग का मतलब होता है जो धान में हम लोग जो छिलका हटाते हैं धान की, जो हस्क और ब्रांड दोनों को जो हटाने की प्रोसेस होती है, उसको हलिंग कहते हो। यहाँ पे हीलिंग जो है आपका इससे रिलेटेड है, ठीक। हाँ बिल्कुल अलग है बाबू, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डॉर्मेंसी ऑफ कॉर्म, डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको 4 से 5 महीने तक जो इसको भंडारण कर दिया जाता है 4 से 5 degrees Celsius टेम्परेचर पे, ठीक है, ताकि अगर देखो एक बार जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसी कॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, उसको हम लोग भंडारण करते 4-5 महीने बाद फिर से उसको जो है बोया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो उसी को जब भंडारण करने के लिए, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से 5 degrees Celsius पे उसको 3-4 महीने तक रखा जाता है, ताकि उसके कारण से उसकी डॉर्मेंसी जो सुसुप्तता जो होती है वो नष्ट हो जाती है। और ये जो कॉर्म होते हैं ना, इसकी ग्रेडिंग भी की जाती है, जैसे अलग अलग आकार के जो कॉर्म होंगे ना, तो उसके बेसिस पे जो है इसको अलग अलग ग्रेडिंग भी इसकी की जाती है बच्चों, ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। नेक्स्ट जो है इसमें प्रोपेगेशन वही कॉर्म या फिर टिश्यू कल्चर माध्यम से जो है इसकी आप यहाँ पे प्रसारित कर सकते हो, यानी कि इसके प्रोपेगेशन के लिए, इसके प्रबंधन के लिए कौन सा विधि, कौन सा मेथड उपयुक्त होगा बच्चों, तो ये आपका जो है कॉर्म या फिर टिश्यू कल्चर मेथड जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। प्लांटिंग का समय जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिए, जनवरी से फरवरी का समय, ठीक है, इसमें पौधे लगाने के लिए। और सीड रिक्वायर्स 15 से 20 days टू जर्मिनेट, ठीक है, यहाँ पे अंकुरण होने के लिए जो आपका 15 से 20 days आपको मिनिमम लग जाते हैं। जैसे आपका कॉर्न बुआई हो गया, ठीक है, तो इसको आप अंकुरित होने के लिए आपको 15 से 20 दिन का समय लगेगा बच्चों, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज के लिए क्लास में जो हम लोग इतना ही करेंगे,
और एक चीज और बता दें बच्चों, कुछ एमसीक्यूज जो है अब आप लोगों को रेगुलर क्लासेस के दौरान जो है हम लोग करा करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो क्लास जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ, जैसे अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ रोज और कुछ जो है आपके ग्लैडुलस के एमसीक्यूज रखेंगे, ठीक है, दो चार ही क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि आप लोग भी अपना रिवीजन जो है रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करके आया करना, ठीक है, ताकि चार पांच एमसीक्यू जो रहेंगे उसको हम लोग फटाक से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, इंडिया, चलो बहुत अच्छा, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है बच्चा, एक चीज बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, कैलस, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए एक पार्ट जो रिजनरेटिव पार्ट है उसको हम लोग कैलस कहते हैं, उसी को जो है बाद में उसको मल्टीप्लाई करके उसको ग्रो करके जो है नया एक पौधा तैयार किया जाता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर वगैरह आप और डिटेल में जो है बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट पोर्शन होता है उसमें आप लोग और डिटेल में इसको पढ़ते हो, ठीक है, बायोलॉजी पोर्शन में, ठीक है। टिश्यू कल्चर में एक कैलस इसके जो पार्ट होते हैं उसको लिया जाता है, उसी को प्रोलिफरेट करा के उससे जो है एक नया पौधा तैयार किया जाता है एक ऊतक से, ठीक है, इसी को हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और आपको एमसीक्यूज के साथ कल जो है आपको जो क्लास होगी उसमें फ्लोरिकल्चर को एक बार सभी लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड होंगे और ग्लैडुलस और क्राइसेंथेमम को कल की लास्ट लेक्चर में जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करिए और इसको भी एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।